हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन नहीं करेंगे, पहले हम समझेंगे, फिर जो आएगा उसे हम डेफिनेशन से कंपेयर करेंगे, राइट? तो हम कंसीडर करते हैं एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने नाम दे दिया है ए, एक दूसरी बॉडी जिसको हमने नाम दे दिया है बी। ठीक है, जो ए है वो बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है बिकॉज इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण ये वाली बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये अट्रैक्ट कर रही है, और इसके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये वाली भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, राइट? इधर को अट्रैक्ट कर रही है, ये इसको इधर को अट्रैक्ट कर रही है, राइट? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने लेट कर लिया है डी डिस्टेंस, राइट? और इसका जो मास है वो है एम के जी, इसका मास है स्मॉल एम के जी। तो हमें ऊपर डेफिनेशन में दिया है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अट्रैक्ट करती है दूसरी बॉडी को, ठीक है, किस फोर्स के साथ? विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब m इंटू स्मॉल m, m मल्टीप्लाई स्मॉल m, ठीक है। आगे यह है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? d, इसका स्केयर करेंगे d स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय d स्केयर। इन्वर्सली जब करना हो तो 1 बाय करते हैं, जब डायरेक्टली करना हो तो सिंपल डायरेक्ट ऊपर। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय d स्केयर। m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय d स्केयर, मतलब 1 की जगह पर क्या आ गया? अब m इंटू m, जब इन दोनों को कंबाइन किया, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास आगे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, लेकिन हमें डायरेक्टली को हटाकर इक्वल टू लगाना है। तो हम डायरेक्टली को हटाकर जब इक्वल टू लगाएंगे तो उसके साथ कुछ कांस्टेंट, कुछ वैल्यू, कांस्टेंट मतलब जो वेरी ना हो, जैसे 1, 2, 3 कुछ चीज़ ऐसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर इक्वल टू इंटू कुछ कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू कभी बदलती नहीं है, तो जी ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है, मतलब हमेशा यही लगेगी, 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्केयर पर केजी स्केयर, ठीक है। और इस कांस्टेंट का जो नाम है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब एक बार दोबारा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है वो दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, किस फोर्स से? वो फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर, डी का स्केयर कर दिया है, वो क्या है? इनवर्सली है फोर्स की। इन दोनों को कंबाइन किया, वी गेट दिस। देन टू रिमूव डायरेक्टली वी यूज इक्वल टू एंड सम कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम ये जो यूनिट है ये कैसी है इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे एक बार। देखिए, यहाँ से हम जी निकालेंगे, जी क्या आ जाएगा? जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर एम इंटू एम। एफ की क्या यूनिट है? न्यूटन। डिस्टेंस की मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। मास की केजी, ये भी मास है इसकी भी केजी होगी, तो ये केजी प्लस केजी, केजी स्क्वायर